एक तरफ जंगल में आग लगी हुई थी तो बड़े बड़े ताकतवर पशु पक्षी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जागरूक व छोटे जानवर गिलहरी तोता मैना मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक उसी तरह वर्तमान में किताबों को लेकर के अभिभावक चारों तरफ चिंतित हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में जगदम्बा परिवार व समाजसेवी रमेश सिंगल व साधु महात्माओं में बाबा वेदनाथ जैसे शख्सियत इतिहास दर्ज करवाने में जुटे हुए हैं। चकुली बच्चे हमारे साथ मौजूद है, ये अभी बुक्स वगैरह लेकर के आए हैं, इनसे जानते हैं। बेटा नाम बताओ आपका। शिखा। शिखा कौन सी कक्षा की लेके आई हो? एट क्लास की। आप बेटा आप नाम बताओ? भावना। भावना कौन सी कक्षा की लेके आई? सेवन। ये किताबें बिल्कुल फ्री मिली हैं? यस। कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं। अच्छा लगा आपको? यस बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। पिछली बार जो आप किताब खरीद के लेके आए थे, पहले खरीद के लेके आए थे? हाँ। इस बार कैसे पता चले ये फ्री मिलेंगी? ये हमारे स्कूल में कूपन दिया था मैम ने, तो वो उसने बताया था। उसने बताया था। आपके माता पिता को आपने बताया फ्री मिल रही है? हाँ। आपके माता पिता को बताया? हाँ। क्या भविष्य में क्या बनना चाहते हो आप? IPS। वेरी गुड वेरी गुड। आप बेटा? मैं टीचर। युवा नारायणी सेना के सदस्य हैं, उनसे जानते हैं कि नाम क्या है आपका? निश्चल। निश्चल किस प्रकार का योगदान दे पा रहे हो आप? मैं यहाँ पे बुक्स बांटने में हेल्प कर रहा हूँ। कितनी किताबें अभी तक बंटवा चुके हो आप? 100 से ज़्यादा जा चुकी है हमारे पास किताबें। किस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं? नीडी बच्चे आ रहे हैं? हाँ नीडी बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि जो अफोर्डेबल है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमने ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया है। आपका क्या नाम है? गोविंद। किस प्रकार की मुहिम है ये? हमारी माँ रानी सती ने जो हमें प्रेरणा दी थी उसकी प्रेरणा स्वरूप हमने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। इसमें जो बच्चे हैं जिनको पुस्तक लेने में असमर्थ हैं उनका हमने चिन्हित किया है और उनके फॉर्म पहले से भरवाए गए और अब उनको पुस्तक वितरण की जा रही है आज, और जो कुछ बुक्स बनाई जाएगी उनको अगले हफ्ते दी जाएगी वापस। नगर पार्षद अनिल कुमार हैं, इनसे जानते हैं किस प्रकार का ये मुहिम है। ये आप बच्चों की किताबें जो लेके आए हो अभी ट्रस्ट की तरफ से, कौन कौन सी कक्षा के लेके आए हो, किस प्रकार का अभियान है ये? एक नंबर का अभियान है जी, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। और इतनी सार्थक पहल जो नारायणी सेना जो कर रही है, रानी सती जो जगदम्बे जो ट्रस्ट बनाई है ना, गजब की बनाई, बहुत बढ़िया, गजब करा जी। ऐसा पुण्य का काम तो कोई नहीं कर रहा। कौन कौन सी कक्षा की लेके आया? पांचवी और छठी, जो हमारे नज़दीक जो गरीब परिवार के बच्चे थे उसका मैंने कूपन लिया था स्कूल, उन्हीं के मैं किताब लेने के लिए आया हूँ और यहाँ किताब मिल गई है। और इतना बढ़िया काम है जी, बहुत अच्छा करा जी। इस संस्था को बहुत ही अच्छी सेवा दी गई है, इससे गरीब माँ बाप की हेल्प होती है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वे अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसा हमें देख करके ये किताबें लेकर के बहुत खुशी हुई है। पिछली बार जो किताबें बच्चों की आपने खरीदी थी वो कितने रुपए की थी और इस बार आपने कितने की सुनने को मिली? किताबें तो बहुत महंगी होती हैं, हर दिन रेट बढ़ते हैं किताबों के। तो इस बार ये जो फ्री आप लेने आ रहे हो अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी अच्छा लग रहा है जी। और बच्चे जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको भी बताओ? हाँ जी जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन्हें भी हम बताएंगे, हमें पता चला है, हमें भी बुक ली है, अच्छा लगा है। जैसा कि अभी आप लोग जो देख पा रहे हैं युवा नारायणी सेना के जो सदस्य हैं वो किस तरीके से NCERT की किताबें निःशुल्क बांट रहे हैं, इनसे जानते हैं। आपका नाम बताओ सर। प्रेम सागर अग्रवाल। हाँ जी। कितने अभी तक किताबें दे चुके हो? अभी हमारे पास में लगभग 100 से भी ज़्यादा सेट दे चुके हैं और अभी जैसे अभी देने लग रहे हैं, अभी भी लोग जो है ना कूपन जिनके पास में हैं हमने जो है ना कूपन दे रखे हैं और अभी भी कूपन लेकर के आ रहे हैं और अभी भी ये काम अभी चालू है। Thank you.